वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर आए हैं आगे की वीडियो। प्रोग्राम हमारा समाप्ति की ओर है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसा रहा और क्या क्या प्रोग्राम में हमने किया, क्या जाना, क्या सीखा, क्या अनुभव हुआ, इसके बारे में हम ये वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अभी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस बार सभी लोग बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम अभी सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो दीदी बताएंगे कि इस पर्पस से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए सब लोग। यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम था हरपालपुर में। यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम था, होली भी पहले मना ली, शिवरात्रि बाद में मना ली। मनाम संगम में है बीच में। और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा हम सोच नहीं रहे थे लेकिन बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। अब हमारी बहन जी बताएंगी इनके यहाँ था प्रोग्राम, इन्होंने क्या अनुभव किया। ओम शांति। हमने इस प्रोग्राम से ये अनुभव किया कि पहली बार कुछ हमने ऐसा नया करके एक तरीके से मैंने ऐसे प्रोग्राम नहीं किए थे जो मतलब बच्चों को सजा करके सारे राधा कृष्ण वाले डांस और शंकर और पार्वती के डांस से सारे उन बच्चों को 4-5 दिन में ही मैंने सिखाया उन बच्चों को। और उन बच्चों को सिखा करके मैंने इस प्रोग्राम से मतलब बहुत सारी मेरी जनता बहुत इकट्ठी हुई, भीड़ बहुत हुई। इस तो सच बात है, हर कोई यही कह रहा था कि दीदी आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा मुझे इस प्रोग्राम में लगा। पहले मैं जब करती थी तो इतना लोग मतलब वो नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। और लेकिन ये प्रोग्राम जो मैंने किया, जो बच्चों को सिखा करके और फिर उनको स्टेज पर ला करके उनकी मतलब एक्टिंग पूरी करवाई, डांस आदि करवाए, तो उस प्रोग्राम से हम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। ओम शांति। तो अब हम यही चाहेंगे अपनी रिंकी बहन से कि इसी प्रकार आप और भी प्रोग्राम करते रहें और आप आगे बढ़ते रहे। हमारी तो यही शुभकामना है आपके लिए। और इन्होंने ही मुझे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ मतलब इनसे ही मैं सीख कर आई हूँ। मैंने भी छोटा मोटा यहाँ वैसा कर लिया, जैसा भी कर पाया इनके सबके सहयोग से हो गया। और माता जी चाहेंगे हमारी बहन जी सदा आगे बढ़ती रहे। माता जी से पूछो, माता जी बताएंगी। हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। माता जी बताइए प्रोग्राम कैसा लगा और कैसा रहा, आपका क्या मतलब अनुभव रहा। माता जी कह रही है, दूर बैठी है इसलिए सुनाई वहां तक नहीं पड़ रहा होगा। माता जी कह रही प्रोग्राम अच्छा हुआ, क्यों माता जी? पूरे भंडारे की जिम्मेदारी हमारी माता जी ने संभाला है तो इसके लिए बहुत बहुत माता जी को दिल से शुक्रिया है। अन्नदाता तो हमारी माता जी थी, अन्नदाता हम सब भाई हैं। माता जी का अहम रोल था, इसलिए हम सभी की तरफ से हमारी माता जी के लिए दिल से बधाई हो, स्वागत हो, स्वागत हो। सब लोग सो जाते थे, माता जी 1 बजे रात में आलू सुबह के लिए तैयार करती थी। जग करके हम लोगों ने ये सब कार्य किए तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। क्यों दीदी, हमारी दीदी हरदोई से आई है तो ये बताएंगे प्रोग्राम कैसा हुआ। हेलो भाई बहनों, इस प्रोग्राम में हमने देखा सारी जो भी स्टेप हम लोग चाहते थे जैसे जैसे चाहा वैसा वैसा ही हुआ। आज सारा प्रोग्राम बहुत ही फिट और एकदम बहुत अच्छा था। माता जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहेंगे। ओ माँ कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी। तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहें। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।